वेलकम। आज का जो सेशन है, मेरा नाम डॉक्टर संजीव हरिभक्ति, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन हूँ काइजन हॉस्पिटल अहमदाबाद, जो गुजरात का एक सर्वप्रथम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से आप सबको वेलकम कर रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, मतलब स्वादुपिंड का सूजन। अब आप शायद सुना नहीं होगा, लेकिन आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है ये प्रॉब्लम और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ है ये। ज़्यादातर डिजीज़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ है, कभी कभार सीरियस भी हो सकता है और इसके कारण भी ऐसे हैं जो हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और इसलिए ये बीमारी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो चलो समझे कि क्या है ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस मतलब पेट के अंदर अतिशय सूजन, जिसकी वजह से बहुत जोरों का दर्द होता है, सीवियर पेन, बहुत ही अनबेरेबल पेन होता है, पेट के ऊपर कभी पीछे जाता है, कमर में होता है, उल्टियाँ होती है। तो ऐसा अगर पेन होता है तो वी शुड सस्पेक्ट कि ये पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। काफ़ी बार लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, इतना सीवियर पेन होता है। काफ़ी बार लोग समझते हैं कि गैस है या तो पथरी की वजह से दर्द है, लेकिन ये पैंक्रियास का सूजन हो सकता है। तो इसका निदान, डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस में उसका एक ब्लड टेस्ट है, जिसको कहते हैं अमाइलेज और लाइपेज। ये दो ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है कि ये पैंक्रेटाइटिस है कि नहीं है। दूसरा सोनोग्राफी है, कभी कभार अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो सीटी स्कैन करना ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों होता है, क्या कारण है उसके? तो पैंक्रेटाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो मुख्य मेन कारण है। एक जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ताशय में जब पथरी होती है तो एक आध पथरी जब नीचे उतरकर नली में आ जाती है, वो पैंक्रियास की नली को इरिटेट करती है, वहाँ उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है। और दूसरा मुख्य कारण है अल्कोहल ड्रिंक्स, उसकी वजह से भी पैंक्रेटाइटिस होते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कारण हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज। कहने का भावार्थ यह है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है उसका ट्रीटमेंट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उससे हम ये पूरा पैंक्रेटाइटिस को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से पैंक्रेटाइटिस का बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो हम अल्कोहल की मात्रा या तो न ले तो सबसे बढ़िया है, अगर लेना है तो बहुत ही कम मात्रा में, ओकेजनली महीने में एक आध बार ले तो ठीक है, वरना ये पैंक्रेटाइटिस का रिस्क ज़्यादा है। अब पैंक्रेटाइटिस का रिस्क क्या है? लगभग 75% लोगों में ये माइल्ड पैंक्रेटाइटिस होता है, जो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है, पेशेंट भी सेटल हो जाता है। लेकिन 20-25% लोगों के अंदर ये पैंक्रेटाइटिस सीवियर होता है, मतलब अतिशय सूजन होती है उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके। तो आप पूछेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है पैंक्रेटाइटिस के? तो कॉम्प्लिकेशंस पैंक्रेटाइटिस के दो तरह से होता है, एक तो होता है लोकल, पैंक्रियास के आसपास कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दूसरे कहते हैं कि सिस्टमिक, मतलब पूरे बॉडी के अंदर उसकी साइड इफेक्ट होती है। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स है लोकल? लोकल में मेनली थोड़ा सूजन आने की वजह से पेट में पानी भरता है, अंदर कलेक्शंस होते हैं, कभी कभार उसके अंदर बगाड़ होता है, जिसको हमारी भाषा में नेक्रोसिस कहते हैं, पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस। और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर इन्फेक्शन होना, ये एक इन्फेक्टेड पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दूसरे कॉम्प्लिकेशन में पेट फूल जाता है, आंतड़े काम करना बंद कर जाते हैं, बहुत सारा खाना पीना बंद हो जाता है, बहुत सारे और लोकल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। सिस्टमिक जो कॉम्प्लिकेशन पूरे बॉडी में होते हैं, इसमें मेनली ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट होती है, जैसे फेफड़े लंग्स, उसके ऊपर इफेक्ट होती है, सांस की तकलीफ होती है, कभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किसी को वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ता है। काफ़ी बार किडनी के ऊपर इफेक्ट होती है, तो किडनी भी फेल हो सकती है इसमें, और ब्लड के ऑर्गन के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, हार्ट के ऊपर काफ़ी सारी इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है पहला हॉस्पिटलाइजेशन, इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता है। सबसे पहले पैंक्रियास को आराम देना पड़ता है, खाना पीना बंद करना पड़ता है, और आईवी बोतल इंजेक्शन से उसका कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले पेन किलर्स भारी मात्रा में देकर पेन को कंट्रोल किया जाता है, फिर फ्लूइड्स देना पड़ता है, उसके बाद न्यूट्रिशन, खुराक का भी कुछ प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी कभी कभार बहुत लंबे टाइम चलती है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी बहुत ही जुडिशियस, मतलब केयरफुल होना चाहिए, अननेसेसरी एंटीबायोटिक भी नहीं देना चाहिए, और जब ज़रूरी है तो प्रॉपर मात्रा में एंटीबायोटिक को देना पड़ता है। शुरुआत में तो मेजर ट्रीटमेंट है उसका यही, उसको कंट्रोल करना है, सूजन को कंट्रोल करना है, और कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए सब सावधानी बरतनी पड़ती है। आगे जाकर दूसरे या तीसरे हफ्ते में
कभी कभार क्या होता है कि इन्फेक्शन और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके बाद फिर तीसरे हफ्ते में जब कॉम्प्लिकेशन दवाई से इंजेक्शन से कंट्रोल में नहीं आते तो किसी तरह से ये इन्फेक्शन को निकालना पड़ता है। उसके लिए जनरली हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स जिसको बोलते हैं छोटे छोटे होल से एंडोस्कोपी से या तो यहाँ पेट के ऊपर पंचर करके नलियाँ डालते हैं स्टेंट्स डालते हैं और उससे ये फ्लूइड जो होता है इन्फेक्शन होता है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो अंदर का जो बगाड़ होता है उसका डेवलप जो नेक्रोसिस हुआ है उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको निकालना पड़ता है। उसके लिए भी लेप्रोस्कोपी या छोटे छोटे होल से दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं उससे हम निकाल सकते हैं। एंडोस्कोपी से भी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम ये बगाड़ नेक्रोसिस को निकाल सकते हैं। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन है सर्जरी, ओपन सर्जरी करके ये पूरा जो डैमेज होता है पैंक्रियास का बगाड़ होता है उसको निकालना पड़ता है। सो सर्जरी इज़ द ओनली द लास्ट रिसोर्ट, सर्जरी कोई फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है पैंक्रियाटाइटिस के अंदर। लेकिन पैंक्रियाटाइटिस में जो ट्रीटमेंट कभी कभार काफ़ी लंबा चलता है, मरीजों को आईसीयू में लंबे टाइम रहना पड़ता है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत है, एक स्पेशलाइज्ड सेंटर की ज़रूरत है। जैसे काइजन हॉस्पिटल है जहाँ पर एक स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ आईसीयू बैकअप होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट सपोर्ट होता है, सीटी स्कैन होता है, 24 आवर्स लेबोरेटरी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी होती है, ज़रूरत पड़ती है तो एंडोस्कोपी की फैसिलिटी है और मिनिमली इन्वेजिव जो पंक्चर की टेक्निक्स अवेलेबल है और फाइनली लेप्रोस्कोपी और सर्जरी, सब फैसिलिटी एक जगह पर है। ऐसे जो स्पेशलाइज सेंटर है वहाँ पर ऐसे मरीजों का सबसे अच्छी तरह हम ख्याल रख सकते हैं क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी है और इससे मरीज में रिस्क होने का भी, लाइफ का भी थ्रेट रिस्क होने की संभावना रहती है। तो इसी तरह से पैंक्रियाटाइटिस को कभी आप लाइटली ना लें। मेरा एक ही मैसेज है कि पैंक्रियाटाइटिस एक सीरियस इलनेस है, उसके लिए हमें समझना है कि किस तरह से उसका इलाज होता है। इसमें धीरज रखनी पड़ती है, कभी कभार बहुत लंबा इलाज चलता है तो तब लंबे इलाज में मरीज का जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो मनोस्थिति है, जो उसकी हिम्मत है, उसकी जो धीरज है, ये बचा कर रखनी पड़ती है। उनको काफ़ी प्रोत्साहित करना पड़ता है, उनको इंस्पायर करना पड़ता है कि ऐसी बीमारी में से वो बाहर निकले। काफ़ी सारे हमारे मरीज़ हैं जो बहुत लंबे टाइम आईसीयू में रहकर, बहुत लंबे टाइम वेंटिलेटर पर रहकर, इवन वेंटिलेटर पर काफ़ी कभी कभार 2-3-4 ऑपरेशन किए हुए ऐसे भी मरीज़ है, वो ठीक हुए हैं और बरसों के बाद अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक मरीज़ हैं हमारे यहाँ पर काइजन में। लास्ट 11 इयर्स में हमने मोर देन 500 पेशेंट्स पैंक्रियाटाइटिस के, बहुत ही सीरियस पेशेंट्स को हैंडल किया हुआ है सक्सेसफुली। तो इसीलिए मैं अपने ये तजुर्बे से, अपने अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि पैंक्रियाटाइटिस से डरना नहीं है, उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसका प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे तो उसकी सोल्यूशन हमारे पास ज़रूर है। तो फाइनल मैसेज मेरा ये है कि पैंक्रियाटाइटिस को लाइटली ना ले। ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये अपने हमें अवॉइड करना चाहिए। पैंक्रियाटाइटिस के अलावा लिवर का सिरोसिस होने का भी रिस्क अल्कोहल से होता है, तो अल्कोहल तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स को बहुत सारे लोग बहुत ही ये नज़रअंदाज करते हैं कि इसमें क्या है, मेरे फादर ने भी सालों तक गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ जिए थे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, स्टोन तो मैं जी सकता हूँ। ऐसा नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन से काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पीलिया, जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस, गॉल ब्लैडर कैंसर्स, बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन का भी इलाज आजकल क्योर पॉसिबल है, वो भी एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना पड़ता है जिससे ये गॉल ब्लैडर और स्टोन्स दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं और पैंक्रियाटाइटिस कभी दोबारा नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं आप सबको हमारे काइजन हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर संजीव हरिभक्ति आप सबको नमस्कार, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये पैंक्रियाटाइटिस के बारे में जो हमारा मैसेज है, जो एक इंफॉर्मेशन है, जो एजुकेशन प्रोग्राम है जिससे हम आपको बता सके कि पैंक्रियाटाइटिस क्या है, उसको आपने सुना और आप उसके साथ आप ये मैसेज को स्प्रेड करें। पैंक्रियाटाइटिस को हमें बचाना है, हमें रोकना है और उसकी जो पद्धति है उसके अनुसार उसका इलाज करना चाहिए। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्कार।